हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कप सूजी, जिसको हम छान लेंगे। सूजी को हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप दही, अब हम दोनों चीजों को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका थिक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे एक कटी हुई प्याज, एक कैरेट को हमने ग्रेट कर लिया है उसको भी डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एक कटा हुआ टमाटर, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, दो चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। सभी मसाले और सब्जियां अच्छे से मिल गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस को भी अब हम इसमें मिला देंगे अच्छे से। हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं। सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको मिला देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। बैटर हमारा बनके तैयार है। अब हम पैनकेक्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में एक चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम बैटर को अच्छे से फैला देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसको फैला देंगे।
बैटर को हमने अच्छे से फैला दिया है। अब हमने जो स्टफिंग बनाकर रखी थी वो इसके ऊपर फैला देंगे। अब हम स्टफिंग को बैटर से कवर कर देंगे। अब हम इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। अब हम इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। पांच मिनट के लिए अब हम फिर पकने देंगे। और ये देखिए, अब हम इसको 1 मिनट और पकने देंगे। हमारा स्टफ्ड पैनकेक्स दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प हो गया है, अच्छे से सिक गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको काट के दिखाएंगे और ये देखिए ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।